हमारे यहाँ जैसे मम्मी पापा नहीं करते, यहाँ के रिवाज अलग है। ये हो गई मम्मी तैयार। बेचारी रेनू का बहुत बड़ा हाथ है, वो तैयार करके गई है मुझे। रोज एक तरीके का काढ़ा पीना भी ठीक नहीं होता। इसको ना दूसरा भी बताया था उन्होंने, वावड़िंग के दाने वाले, वो वाला भी ट्राई करूँगी। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का शेड्यूल बहुत बिजी है। पहले मेरे को कैलाश आश्रम जाना है और वहीं से निकलूँगी मैं शायद 10, भैया ने 10 बजे बोला था, मैं 10:30 बजे करीब जाऊँगी। 11 बजे मधु दीदी के यहाँ जाना है, उनके यहाँ बाँध है, और फिर कुछ मार्केट का भी काम है, और उसके बाद शाम को शादी में जाना है। तो आज मैं वॉक करने नहीं जा रही हूँ यहीं पे। और 2 दिन हो गए थे रनिंग करते हुए ना, कल भी कितना दूर गई थी, और आपको मैंने दिखाया नहीं। कल तो मैं यहीं से नीचे से अपने पूरे प्रॉपर एक्सरसाइज पॉइंट तक गई थी जहाँ पे, क्योंकि मैं ना पहले गाड़ी लेके भद्रकाली तक जाती थी, तो फिर मैंने कहा मेन तो यही है नीचे वाला, क्योंकि ये एकदम डाउन से पूरा ऊपर चढ़ता है ना, तो फिर मैं यहीं से करती हुई थी और रिकॉर्ड किया नहीं तो रनिंग करती हुई गई थी। आज घर पे प्राणायाम और सूर्य नमस्कार वगैरह, स्ट्रेंथनिंग, हाथों की एक्सरसाइज, वो सब करूँगी। आज मैंने येलो साड़ी पहन ली है। ज़रा दूर बैठना पड़ेगा, चश्मा लगा रखा है। मतलब सबकी डिमांड थी ज़रा मैं इस साड़ी में आऊँ, और आज हल्दी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रीति और वो नहीं जा रहे हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, और मैं तैयार हो गई थी। और स्कूटर से जाऊँगी और वहाँ पे उसे रिकॉर्ड करूँगी फ़ोन से, क्योंकि अभी ना थोड़ा अनईजी लगता है दूसरे के उसमें जाके ना, और फटाफट से भागाऊंगी। और कैलाश आश्रम भी नहीं जा पाई तो भैया भंडारा लेके यहीं आएंगे दिया के सामने पास ही। हमारे यहाँ जैसे मम्मी पापा नहीं करते, यहाँ के रिवाज अलग है। हाँ, ये बान हो रहा है, इसमें हल्दी चढ़ रही है, तो मम्मी पापा करेंगे पहले। हाँ, बच्चियों के बाद मम्मी पापा भी। हमारे यहाँ नहीं करते, माँ नहीं करती हमारे यहाँ। हाँ, भाभियाँ करती हैं। जब जा रही थी तो भाई साहब चंद्र प्रकाश मुझे भाई साहब रास्ते में मिले, और ये देखो ये बालूशाही होगी शायद ये, और ये देखो, मतलब मैं पतली हो रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, लेकिन क्या है कि आप लोग होने नहीं दे रहे हैं। कोई ना कोई आके एक तो हम ही कम नहीं है, और ऊपर से आप भी कम नहीं है, और अब मुझे चीला बनाना पड़ेगा और मैं भी खाऊंगी। सुबह मैंने इतना सारा, कम से कम आधा किलो पपीता खा गई थी मैं, और अब चीला अपने लिए भी बनाऊंगी मैं। हमारे फैन चल रहे हैं जोर शोर से, और मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी, और दिया पहनेगी अपनी ये वाली ड्रेस, क्योंकि ना हल्की पहननी है मेरे को, ज़्यादा हैवी नहीं पहननी, और इसीलिए मैंने ये निकाल ली। वो बहुत हैवी हैवी हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा फिर ना मैं ही चमक दमक में रहती हूँ ऐसे, इसलिए मेरे को ऐसी ड्रेस पहननी नहीं है, मेरे को हल्की फुल्की ड्रेस पहननी है। मैं अभी मार्केट गई, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि काम था, और फोटो खिंचवा के आई। मैंने भैया से बोला, मैंने कहा भैया बिल्कुल भी मोटी नहीं आनी चाहिए,
भैया ने बोला नहीं आ रही, हंसे बड़ी जोर से कह रहे बिल्कुल भी नहीं आओगी, मोटी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं थी मेरी, बहुत पता नहीं जो कहते थे ना कि हब बाबा आदम के ज़माने की थी, उस आदम ज़माने की थी। अब ये फ़ोटो मेरी खिंच गई है फाइनली, नई फ़ोटो। ये हो गई मम्मी तैयार। बेचारी रेनू का बहुत बड़ा हाथ है, वो तैयार करके गई है मुझे और वो कह रही है तू पार्टी में जा, और मुझे मतलब रेनू सच में जितनी बार आई है उस वो तैयार करके गई है मुझे, जितनी बार मैंने साड़ी पहनी है उसी ने साड़ी पहनाई है। तो महेश्वरी क्या कह रही है कि क्या कह रही थी सुबह? अच्छा देखो जब अपनी बढ़ाई होती है ना तो वो करनी चाहिए फिर। मैं बोल रही हूँ कतई कर रखी थी, इतनी सुंदर लग रही है, क्या कर रही है। पर ये अपने बच्चे देखिए उस शैतान लड़, मैं तैयार होके स्कूटर पे जा रही हूँ तब भी नहीं देख रहा था वो मित्र, मैंने कहा आज तो देख ले। हाँ इतनी सुंदर लग रही है आंटी आज दुल्हन। ये पड़ोसियों के घर में जाके ऐसे उनके दरवाजे बजाता है, घंटी बजाता है, देखो शरारती बच्चा देख लो। अरे आंटी मारेंगी रितु आंटी, क्या है राघव इधर देख ले, ऐसे पढ़ो ऐसे तंग नहीं करते आंटियों को, इसको तो गर्ल बना दिया गर्ल। ए राघव हम लेके गए उन्होंने इसको, हम जा रहे हैं और कहां से भद्रकाली वाली साइड से जाएंगे। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं, ये ना यहाँ पे पहले भी आ चुके, तभी याद था मेरे को, देखा मैंने बोला था ना यही होगा पक्का। भैया और कह रहे थे क्या कह रहे थे, 2 साल हो गए किसी ने शादी में नहीं बुलाया। अब वो शादी में जा रही हो, कोई नहीं हमारे ही अब टाइम आया, हमारे चांस अब आया। टाइम आया चांस हमारे ही अब आया। जद्दोजहद करने के बाद कोई आया और दिल्ली का कोई हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे दिल्ली नंबर थे, बताओ क्या बोले, वो अनाउंसमेंट करवाई, अनाउंसमेंट करवाई अंदर जाके, जब जाके कोई बारात में थे शायद और लगा के चले गए और मीठा टच नहीं किया, इतना कंट्रोल रखा देखो। तो उसके बदले का और कितना खा गई? कुछ नहीं खाया। अच्छा। क्या खाया था? भल्ले पापड़ी, हमने स्नैक्स खाए और एक एक नान खाया और पान खाए, दो पान। अब इस वीडियो का एंड कल दिया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग, होप आपको सब अच्छा लगे, पसंद आएगा तो गंगा जी पे जाके थप्पड़ मारूंगी इसको, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। हर गंगे हर माता पिता बच्चों का हर गंगे बच्चों माता पिता का नहीं है। मैं ना थक गई हूँ बहुत ज्यादा और मैं कल अपनी वॉक पे जाऊंगी और ये जाके वहाँ पे एंडिंग करेंगे। मैंने कर दी, मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। एक चीज ना मैं बताना भूल गई, मेहंदी में ना जो उनके यहाँ पे कुछ स्पेशल हल्दी और जो होती है ना हल्दी में, सॉरी हल्दी का फंक्शन उनका खास होता है। अब क्या था कि प्रीति वगैरह भी नहीं गए थे क्योंकि उसको थोड़ा मतलब, और ये संजली थी तो इनको जाना था ही। मुझे सोचा था, मैंने सोचा ये वो मतलब वो भी जाएंगी, तो वो कह रही कि हाँ शाम को जाऊंगी मैं, तो थोड़ा बिजी थी वो, तो कह रही थी कि मैं शाम को जाऊंगी। अब मैं तो सच चुकी थी, और डोले देखना इनके डोले। तो पता है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी, समझ गई, मेरे को आगे बैग उठाने हैं अपने ट्रैकर में, उसमें शोल्डर में पेन होता। अच्छा। उनके है ना स्पेशल हल्दी में ना, मैं इसीलिए किसी से पूछना चाहती थी पर सब लोग बिजी थे और क्या कहते हैं सब इतने ज्यादा वो थे ना कि मैं मतलब पूछ नहीं पाई, और म्यूजिक अलग बज रहा था जो उनका लोक संगीत था। उनके यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ हस्तबंध वगैरह पहले पुराने जमाने में इतना ज्वेलरी चढ़ती थी, मेरी दादी को इनको भी मतलब चढ़ी हुई थी, तो इनके यहाँ गोल गोल कुछ पोछी बोलते हैं उसको, वो मायके से आती है, नथ आती है मायके से, और एक गले में रेड कलर का वो पहनते हैं, शायद अब डिजाइन चेंज हो गया हो, वो सब इनके ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, आपने देखा होगा। देख कितना गंदा मुंह बना रही है, भगवान कसम ये वीडियो आगे से आ जाए। और ये इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जो ये हल्दी पे पहनते हैं, और उसके बाद डांस भी होना था। मतलब ये ना हमारे यहाँ भी होता है कि जैसे एक दिन में बांध कर देते हैं, 5 बांध होते हैं, कुछ बांध होते हैं, फिर उसके बाद लड़की को नहलाया जाता है, कई लोग सुबह ही उसी दिन सुबह लड़की को नथ पहना देते हैं,
अब ये मेरे को वो अजीब सा लगा कि हमारे यहाँ पे बाद में पहनाते हैं, मामा के यहाँ की नत होती है वो बाद में पहनते हैं, और जरूरी नहीं होती, कई बार मामा अफोर्ड भी नहीं कर पाते तो अपने जो अफोर्ड कर सकता है उसके उस उनकी होती है। लेकिन ये कह रही कि हम मेरे को प्रीति ने बताया था हमारे यहाँ पे सुबह कई जगह सुबह नथ पहन ली जाती है, इतनी हैवी नथ सुबह से पहन ली जाती है शादी में। इस लड़की को ना मैं इतना मारूं, ये बदतमीज है ना, मैं क्या करूं, मैं वीडियो देखो ऐसी मेरे को बदनाम करती है ये। ऐसे ऐसे मुंह बना रही है ये पीछे से, अजीब भी दिखा रही है। तो ये ट्रेडिशनल जो नथ है क्या कहते हैं ये पहनते हैं, और सुबह से ही पहन ली जाती है। अब ज्यादा कुछ तो मैं देख नहीं पाई थी उसके बाद, इनका अपना वहां का ट्रेडिशनल मतलब लोक संगीत जो चल ही रहा था, डांस भी करती हैं लेडीज जो आपने कीर्तन में देखा था कल की वीडियो में। तो अब ये एंडिंग ये जाके करेगी, आपको गंगा जी दिखा देती हूं। सुबह सुबह पता नहीं बारिश का मौसम बन गया। मम्मी ने बोला था कि मतलब एंडिंग मेरे को करनी है, तो फिर मम्मी आज सुबह तो वहाँ पे मतलब उधर गई है वॉक करने के लिए, तो मैं आ गई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मम्मी पापा बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे मम्मी पापा का ध्यान रखिए, पेड़ लगाना ना भूले। हर गंगे हर महादेव। और यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगी ना, इतनी तेज मतलब हवा चल रही है ना, हवा तो चल रही है लेकिन काले बादल भी उड़ रहे हैं।